तो फ्रेंड्स, अभी मैं कोलकाता के हावड़ा जंक्शन पे हूँ और आपको आज बताने वाला हूँ कि आप सस्ते में और सबसे बेस्ट जगह कैसे आप कोलकाता में रुक सकते हैं अगर आप अपना वहाँ पे एक दो दिन का रुकने का प्लान बना रहे हैं। तो ये स्टेशन के बाहर का सारा एरिया है। तो अगर आपके पास टिकट्स है, मतलब अगर आपके कन्फर्म टिकट हैं, तभी आपको ये जो सुविधा है मिलने वाली है। तो बात कर रहा हूँ मैं यात्री निवास का। जो रेल यात्री निवास होता है वो हर स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे होता है, और उसके लिए आपको रिजर्वेशन की कंफर्म टिकट चाहिए होती है। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, तो अगर आप भी रुकना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टेशन से बाहर निकल के आपको मैं ले चल रहा हूँ। सामने आपको बोर्ड दिखेगा, जैसा कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। अभी अंदर से भी हम लोग देखेंगे, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, और काफ़ी सस्ते में, मात्र 250 से 300 में डॉर्मेट्री मिल जाएगी, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, ठीक है। और रूम जो है आपको 800 से 900 में एसी वाली मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है IRCTC रेल यात्री निवास, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो फाइनली आपको यहाँ से इंटर कर जाना है, और इंटर करने के बाद आप जो ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेंगे, पूरा अपना चेक इन कर लेंगे, जो भी चीज़ें हैं आपकी, अपना डॉक्यूमेंट जो भी आपको वहाँ पे दिखाना है अपना दिखा के, ठीक है। डॉक्यूमेंट में वही आपका कन्फर्म टिकट चाहिए, और फिर अब हमने ये सारा चीज़ करा लिया, अब ऊपर जा रहा हूँ। तो लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं, आपको जो भी रूम नंबर मिला हो वैसे आप फ्लोर पे जा सकते हैं। तो जो मेरा रूम नंबर था इस वाले फ्लोर पे था, तो अभी फाइनली लिफ्ट से निकलते हैं और फिर चलते हैं रूम की ओर। तो जैसा कि अभी लिफ्ट खुलने वाला है, तो फाइनली ये खुल गया, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा रूम। तो काफ़ी आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे कि काफ़ी लंबा में बनाया गया है, मतलब बहुत सारे रूम हैं यहाँ पे, बहुत सारे डॉर्मेट्री हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है। तो अगर आप भी परेशान होते हैं रुकने के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार यहाँ पे जाके, देख सकते हैं कि आपका हो पा रहा है कि नहीं, रुक पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा रूम नंबर डॉर्मेट्री नंबर 221 था। तो डॉर्मेट्री में बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे बेड लगे होते हैं, और ये काफ़ी सस्ता होता है सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो रह सकते हैं। तो मेल का अलग डॉर्मेट्री होता है, फीमेल का अलग डॉर्मेट्री होता है। तो और सबको लॉकर भी मिला हुआ है, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी कूल था, ठीक है, यहाँ पे। और बाथरूम भी जो है काफ़ी अच्छा है, क्लीन है एकदम, और ये वेसिंग भी काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, मतलब सब कुछ क्लीन था। ऐसा नहीं कि मतलब रेलवे वाला है तो एकदम बेकार सा, गंदा सा, ऐसा नहीं था, काफ़ी इन्होंने क्लीन करके रखा था, ठीक है। और हर चीज़ आपको बेडशीट भी चेंज करके दे रहे थे, मतलब जो भी नया आ रहा था उनको नया बेडशीट, नया पीलो कवर, सब कुछ मिल रहा था। तो रुकने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है, और सबसे सस्ता मात्र 250 से 300 रुपये में आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, और अगर रूम लेना चाहें तो 800 से 900 में ले सकते हैं। तो आप जाकर एक बार ज़रूर वहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको रुकना है हावड़ा स्टेशन पे या कोलकाता घूमना है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये था रूम के बारे में, और ऊपर से कुछ नज़ारा इस तरह दिखता है यहाँ से, पूरी बाहर की, स्टेशन की बाहर की एरिया। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोलकाता गए हैं या जाने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।